रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन करना कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी होता था और अब भी होता है। फर्क बस इतना है कि गांव से अब कुछ ज्यादा ही पलायन होने लगा है, क्योंकि लोगों का रुझान गांव में रहकर खेती किसानी करने में कम, चमचमाते शहरों की 8-10 घंटे वाली नौकरियों की ओर ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे समय में जब लोग गांव से शहरों की ओर भाग रहे हों, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबां पर गांव का जिक्र आना बहुत बड़ा संदेश जाता है, वो भी वो गांव जिसे वो खुद अपना गांव बताते हैं। गांव के प्रति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव उस वक्त देखने को मिला जब वो 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ कानपुर के दौरे पर गए हुए थे। इसी दौरान पीएम मोदी को राष्ट्रपति कोविंद के गांव परोंख भी जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने कुछ बच्चों के साथ हल्के फुल्के पल भी बिताए। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने बच्चों से कहा, मैं आपके गाँव आया हूँ, आप भी कभी मेरे गाँव आइए, मेरा गांव काशी में है। अच्छा, कोई काशी गए हैं क्या? काशी नहीं गए। अच्छा, तो कोई काशी जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके गांव आया तो मेरे गांव मेरा गांव काशी में है, मालूम है? अच्छा, कोई काशी गए हैं क्या? काशी नहीं गए। अच्छा, तो कोई काशी जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके गांव आया तो मेरे गांव मेरा गांव काशी में है, मालूम है? ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को गुजरात के गांव नहीं बल्कि उस बनारस के गांव आने का न्योता दिया जहां से वो खुद साल 2014 से सांसद हैं। इन 8 सालों में महादेव की काशी से पीएम मोदी का इस कदर लगाव हो गया है कि ऐसा लगता है कि वो यहीं के होकर रह गए हैं। तभी तो पीएम मोदी एक तरफ जहां काशी का जबरदस्त विकास करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के 6 गांवों को गोद भी लिया है, जिसे देखने के बाद उन्होंने इन बच्चों को न्योता दे दिया है। अच्छा, कोई काशी गए हैं क्या? काशी नहीं गए। अच्छा, तो कोई काशी जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके गांव आया तो मेरे गांव मेरा गांव काशी में है, मालूम है? अच्छा, कोई काशी गए हैं क्या? काशी नहीं गए। अच्छा, तो कोई काशी जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके गांव आया तो मेरे गांव मेरा गांव काशी में है, मालूम है? बनारस से सांसद पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में यहां के 4 गांवों को गोद लिया था। इनमें अराजीलाइन ब्लॉक के जयापुर और नागेपुर गांव के साथ ही काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ककरिया और डुमरी गांव भी शामिल है। पीएम मोदी ने सांसद आदर्श गांव के रूप में इन 4 गांवों का चयन किया था और आज पीएम मोदी के इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इन गांवों को अब लोग मोदी के गांव के नाम से भी जानते हैं। साल 2019 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए और पीएम मोदी एक बार फिर बनारस से सांसद चुने जाने के साथ ही प्रधानमंत्री के पद पर भी दोबारा वापसी की, तो इस बार भी काशी के गांवों के लिए उनका प्यार देखने को मिला। तभी तो उन्होंने इस बार के कार्यकाल में भी काशी के 2 गांवों को गोद लिया। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत पीएम मोदी इस बार सेवापुरी ब्लॉक के पूरे बरियापुर गांव और अराजीलाइन ब्लॉक का परमपुर गांव, यानी पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल में बनारस के इन 2 गांवों का विकास कराने की जिम्मेदारी उठाई है और उम्मीद है कि जल्द ही इन गांवों के लोगों को भी तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
आपको बता दें कि गांवों को गोद लेने के लिए एक मानक तय किया गया है, जिनके मुताबिक जिन गांवों को सांसद गोद लेते हैं वहां पर बैंकिंग सेवा, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, गौशाला, खेल का मैदान जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है। यानी साल 2014 के बाद से पीएम मोदी ने बनारस के जिन 6 गांवों को गोद लिया है उन गांवों में ये तमाम सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के गांव गए पीएम मोदी ने काशी के इन्हीं 6 गांवों में आने के लिए बच्चों को न्योता दिया था। बहरहाल अगर आप भी गांव से लगाव रखते हैं और पीएम मोदी का गांव देखना चाहते हैं, इसके लिए चले आइए वाराणसी और यहां के जयापुर, नागेपुर, ककरैया, डोमरी, पूरे बरियारपुर गांव और परमपुर गांव का दौरा कर सकते हैं।